अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ कि इस चैनल पे मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, मेकअप रिलेटेड वीडियोस होती हैं एंड अभी मेरा चल रहा है वेट लॉस चैलेंज की वीडियोस। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आई होप आप लोग घर पे सेफ हैं, आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कोरोना के लिए। सो करते हैं आज का डे स्टार्ट। तो जो मेरी आज की वीडियो है उसमें मैं कोई भी डे प्लान आपके साथ कोई भी डाइट प्लान आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आज मुझे जैसे कि मेरे कुछ कमेंट्स में भी मुझे मेरे व्यूअर्स ने बोला था कि आप लोग अपने पूरे डे 7 में जो जो चीज़ें आपने करी हैं, आपने अराउंड 1.5 टू 1.6 केजीज वेट लूज किया है, तो आप पूरा एक स्मॉल वीडियो बना के हमें बताइए कि आपने हर डे क्या क्या चीज़ें ली हैं। वैसे तो मैंने आपको हर दिन की वीडियो शेयर करी हैं, बट स्टिल ऑन योर डिमांड मैं एक स्मॉल वीडियो बना रही हूँ। उसमें मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूंगी कि मैंने हर दिन पे क्या क्या चीज़ें खाई थी, और अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ कि आगे जो मेरा नेक्स्ट वीक है उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें लेने वाली हूँ, मैं क्या क्या अवॉइड करूंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। गाइज एज यू कैन सी मैंने थोड़ा सा मेकअप लुक लिया है, मैंने आईज पे और मेरे लिप्स एंड मैंने पूरा थोड़ा सा मेकअप किया है। तो जो जो चीज़ें मैं आज यूज़ करी हैं मैंने इस मेकअप पे मिनिमल मेकअप लुक के लिए, वो चीज़ें मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं। एक क्विक मेकअप है जो कि आप 5 मिनट्स में कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं। तो गाइज जो मेकअप के लिए मैंने सबसे पहले चीज़ यूज़ करी है वो मैंने करा है ये मेबेलिन का फाउंडेशन। ये है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए और ये है मैट प्लस पोरलेस। तो ये मैंने सबसे पहले अपनी स्किन पे अप्लाई किया है थोड़ा सा क्रीम लगाने के बाद। सेकंड चीज जो मैंने ली है वो है मैंने मेबेलिन का ये कॉम्पैक्ट यूज करा है। सेकेंड मैंने ये चीज़ यूज़ करी है। उसके बाद मैंने आईज पे सबसे पहले मेबेलिन का ये लाइनर लगाया था, ये मैट लाइनर है। वैसे मैं सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप लोग भी देख सकते हैं एंड परचेज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मैंने चीज़ यूज़ करी है आईज पे वो मैंने ये मस्कारा रेवलॉन का यूज़ करा है, तो मैं आपको इसका सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी तो आप लोग भी ये परचेज कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द रेट्स में डालूंगी। एंड उसके बाद जो चीज़ मैंने यूज़ करी है लिप्स पे मैंने माई ग्लैम की ये लिपस्टिक यूज़ करी है, इसका बहुत ही प्यारा कलर है आप लोग देख सकते हैं, ये लिप कलर मैंने यूज़ करा है। और उसके बाद मैंने किया है थोड़ा सा मेरा आई मेकअप, और जो आई मेकअप मैंने किया है उसके लिए मैंने यूज़ करा है ये स्विस ब्यूटी का ये वाला पैलेट। तो जो मैंने कलर्स यूज़ करे हैं इसमें, जो शेड्स मैंने यूज़ करे हैं मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने यूज़ करा है ये पर्पल वाला, जो आप ये शेड देख सकते हैं ये वाला, ये सबसे पहले मैंने आईज के ऊपर वाले एरिया में यूज करा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने लगाया है थोड़ा सा गोल्डन कलर जो कि मैंने बस ये कॉर्नर्स में हल्का सा लिया है ताकि लुक प्रॉपर आए। एज यू कैन सी दिस इज द कलर। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मैंने यूज करे हैं और ये एक बहुत क्विक मेकअप है जो कि आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पैलेट और इसकी रेट्स और सारी चीजें मैं आपको बता दूंगी, मैंने सब कुछ चीजें ऑनलाइन ले रखी हैं और ऑनलाइन में भी मैंने कहाँ से ली हैं, मैं साइज का नायका का, मैंने कुछ चीज़ें अमेजोन से भी मंगवाई हैं, तो मैं सारी चीज़ें आपके साथ सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगी। और अगर आपको ये क्विक मेकअप अच्छा लगे तो आप ट्राई करना, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है एज यू कैन सी। ओके, तो ये तो हो गया मेरा मिनिमल मेकअप लुक जो आपने देख लिया है। अब चलते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है, हमारी डाइटिंग। तो डाइटिंग में 7 डेज तो आपने वेट लूज कर लिया होगा, जिन जिन ने भी वेट लूज करा है मेरे साथ, जिन जिन का भी वेट लूज हुआ है और कितना वेट लूज हुआ है वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख के बताना कि आपका कितना वेट लूज हुआ है। तो अब मैं बताती हूँ आपको आगे कि मैं डे
मतलब 7 days में मैंने क्या क्या चीजें खाई थी। तो चलते हैं वीडियो को आगे देखते हैं। है कि जैसे अभी मैंने सोचा है कि जो ये वाली मेरी वीक की डाइट होगी उसमें मैं सारी चीजें फॉलो करने वाली हूँ, बट जो चीजें मुझे ध्यान रखनी है वो क्या होगा कि मेरा डाइट जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन्स हो, बिकॉज किसी भी रीजन की वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस, आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं चीजों को मैंने ध्यान में रख के इस तरह की डाइट बनाई है और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड क्या होता है कि लोग डाइट करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं और उसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमियां आ जाती है, लाइक बहुत डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। सो आई डोंट वांट दोस थिंग्स टू हैपन विद यू गाइस। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ आज का जो नेक्स्ट वीक का जो सेशन है उसमें क्या क्या चीजें मैं फॉलो करने वाली हूँ वो सब। जो नेक्स्ट वीक है वो मेरा थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें जो चीजें मुझे अवॉइड करनी है उसमें मेरा होगा सबसे पहले मैदा मैं अवॉइड करूंगी। सेकेंडली कोई भी शुगर वाली चीज लाइक जो भी आप मिठाइयाँ होती हैं या डेजर्ट होते हैं वो सब नहीं लेने हैं, बिकॉज वो शुगर जो है वो आपका वेट 100% इंक्रीज करेगी, तो यू हैव टू अवॉइड दैट। थर्ड थिंग जो आपकी है, आप बटर ले सकते, बटर नहीं आई मीन घी जो होता है रेगुलर या मलाई होती है वो आप ले सकते हैं। और क्या होता है कि वो आपके स्टमक के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, तो ऐसा नहीं है कि उससे वेट इंक्रीज हो रहा है, वो थोड़ा बहुत 1 spoon 2 spoon अगर आप डेली ले रहे हैं दैट इज इनफ एंड दैट इज वेरी मच लाइक इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, तो वो आपको लेना चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि फ्रूट्स, फ्रूट्स में क्या होता है कि गाइस अगर आप थोड़ा अमाउंट ले रहे हैं डेली एक फ्रूट खा रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं मैंगो लेती हूँ शाम को, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैंगो से वेट बढ़ता है, बट नहीं, उसमें नेचुरल शुगर होती है और उससे वेट आपका कभी भी नहीं बढ़ता है, तो आप वो शुगर ले सकते हैं। बट जो एडेड शुगर होती है लाइक आप चीनी में चाय में चीनी ले रहे हैं या फिर मिल्क में चीनी ले रहे हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं या मिठाइयों में आप चीनी लेते हैं वो जो सारी चीज़ें होती हैं उनसे वेट बढ़ता है। जो ये नेचुरल शुगर है दैट आर फ्रूट्स, उनसे कभी भी हमारा वेट नहीं बढ़ता है, तो आप उनको ले सकते हैं। उसके बाद होती हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड करने वाली हूँ थोड़े ज़्यादा, पर जैसे अभी मैं एलमंड्स ऐड करूंगी तो उसमें क्या है कि अभी गर्मी शुरू हो गई है गाइस, तो इस वजह से क्या करना है आपको, जो एलमंड्स हैं उनको पानी में भिगो के ही लेना है, अदरवाइज आपकी बॉडी में बहुत गर्मी हो जाएगी और वो थोड़ा पिंपल्स और ऐसे फेस के लिए भी इफेक्ट कर सकता है। सो बस यही थी आज की मेरी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आगे की वीडियोज आपको मिलती रहे, आगे का मेरा डाइट प्लान आपको मिलता रहे। एंड आप लोग भी ये फॉलो कीजिए, ट्रस्ट में आपका 4 kgs विद इन 15